गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आई हैव स्टडी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग विद रॉ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। मतलब पानी कैसे सप्लाई होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ट्रीटमेंट जरूरी है, कितना डिमांड रिक्वायर्ड होता है, कैसे सप्लाई करना होता है एंड एक दिन में कितना सप्लाई करना होता है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग is from water demand. What is water demand? to design a water supply scheme, we must first estimate the population. कितने water demand हो सकती है और पानी store कैसे हो सकता है, फिर उसको estimate करके फिर deliver करना होता है, मतलब सप्लाई करना होता है। तो स्कीम वन इंस्टॉल मोस्ट ओवर डिमांड ऑफ ए प्रोजेक्ट पॉपुलेशन अप टू प्री डिटर्मिनेंट फ्यूचर डेट। डिजाइन पीरियड ए वाटर सप्लाई स्कीम इंक्लूड्स ह्यूज एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर्स such as reservoir, dams, pumping units, distribution system, etc. It is not replaceable or increased in capacities easily. बहुत ज़्यादा कॉस्टली स्ट्रक्चर लगता है, एक बार बनाते टाइम बहुत दिन यूज करना होगा। उसके बाद वेराइटीज़ कंपोनेंट्स आर डिजाइन सच दैट फ्यूचर नीड्स ऑफ द कम्युनिटी गेट सेटिस्फाइड। दिस फ्यूचर नीड इज कॉल्ड डिजाइन पीरियड। आने वाला फ्यूचर के लिए हम जितना वाटर सप्लाई करते हैं उसको मेजरमेंट लेने के लिए डिजाइन पीरियड बोलते हैं उसको। Then the design period should be design period ना इतना छोटा होना चाहिए ना इतना बड़ा होना चाहिए, neither too short or too long. आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअली चार्ट इज वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स इज 15 ईयर्स, पाइप कनेक्शंस इज 30 ईयर्स, सर्विस रिजर्वर इज 15 ईयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज 30 years.